के अंदर ध्वज हल्ला बोल कार्यक्रम था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश महात्मा के खिलाफ, सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, जिस तरह की गुंडागर्दी कोलाइट के अंदर चल रही थी, जिस तरह की गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर चल रही है, अगर विपक्ष की भूमिका को निभा रहा है राजस्थान के अंदर, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान है जो रात और दिन इस राजस्थान को बचाने के अंदर, भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात को लेकर, कर्ज मुक्त किसान, कर्ज मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, मजबूत लोकायुक्त, बजरी माफिया से राहत मिले, इस कोलाइट के अंदर जो नजारा हमने देखा उसमें जिस तरह मंत्री की भूमिका है, जिस तरह पुलिस प्रशासन का गुंडा राज कोलाइट के अंदर चल रहा है, इन सबको लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम हमने वहां किया था। और बीकानेर का जो हमारा कूच था, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बीकानेर के इस कूच में शामिल हुए। आप सफल कार्यक्रम रहा, ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने किया, और कोलाइट के अंदर मेरे हिसाब से आज कोलाइट आजाद हो गया। हजारों की तादाद के अंदर धरती पुत्र किसान के बेटे कोलाइट के अंदर पहुंचे, पूरे कोलाइट और बीकानेर क्षेत्र से, और आज राजस्थान की सरकार को संदेश दिया कि 23 में तो हम खुद ही हटा देंगे इस मंत्री को, कांग्रेस सरकार को। जो रॉयल्टी के ठेके जिस तरह कांग्रेस के नेताओं ने बीकानेर के अंदर ले रखे हैं, जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा? जितने भी अवैध नाके हटाने के लिए संभाग आयुक्त तो राय साहब से बात हो गई, दोनों से निर्देश भी दे दिए कि अवैध नाके हटेंगे, रॉयल्टी की जो गलत वसूली हो रही है और जो गलत इलीगल माइनिंग चाहे बॉर्डर तक हुई है उसका पूरा नाप चोप करवा के पेनल्टियां भी लोगों पर लगेगी। एक ऐसे जो की बात की घटनेर का, उसको हटाने की भी बात सहमति बन गई और अन्य मुकदमे भी दर्ज होंगे, और कुछ मुकदमों को लेके पुलिस जिस तरह परेशान करती है उनकी जांचें बदलने की भी बात होगी। करीब करीब मोटा मोटा पूरे मामले की जांच होके और आप सबकी जो मंशा थी उसके अनुसार वार्ता भी हमारी सफल हुई। थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि देश को आजाद होने में 200 साल लगे थे। ये बजरी माफिया, भू माफिया और ये मंत्री जो सरकार को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, मुख्यमंत्री कमजोर पड़ गए सीएम की कुर्सी बचाने के लिए। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आज करीब करीब हमारी मांगों पर सहमति बनी। कुछ जो काम है वो राज्य सरकार के स्तर के हैं, राज्य सरकार को भिजवा दिए। आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा। हमें आज के बाद टोंक, भीलवाड़ा, नोर, धोरीमन्ना और गढ़साना, यहाँ भी सब लोग जिन जिन के पास अपने साधन है, हमें इस राजस्थान को बचाने के लिए निकलना है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सो गई, सिर्फ राज करना चाहती है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, और कांग्रेस दोनों हाथों से राजस्थान को लूट रही है। और जो किसान के बेटे हैं, जो समाज और किसान के नाम से जीत के जाते हैं, वो किसी न किसी गोदी में बैठ जाते हैं। कोई वसुंधरा की गोदी में बैठ जाता है, कोई गहलोत की गोदी में बैठ जाता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है तो कोई गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता है। घर बिठाना है, नया राज बनाना है और राजस्थान के सिंहासन पर कब्जा करना है। जवानों, मजबूती से लड़ाई लड़नी है, जोश में होश भी रखना। एक आह्वान करूंगा, रात को जाते समय गाड़ियां तेज नहीं चलाओगे, इस बात का ध्यान रखना। सही बात है कि नहीं है? आराम से खाना खाने के बाद खाना बनावा, खाना खाने के बाद अपने अपने घर जाके सो जाना, फिर कल दिन में वापस बात करेंगे आगे के कार्यक्रम के लिए। ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए पूरे कोलाइट क्षेत्र, विशेष के प्रभु जी, इनकी पूरी टीम, विजयपाल, दानाराम जी गिटाला, विवेक मात्रा, तमाम काड़ू और पूरी टीम, और दोनों मेरे आरएलपी के विधायक खेवसर, गोपालगढ़, सारे हमारे प्रधान,
पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, सारे सरपंचगण और सारे नौजवान मेरे छोटे भाई जो बिना पद के भी रात और दिन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा रैलियों के माध्यम से नई ऊर्जा देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और 23 में सरकार हमारी बनेगी और नहीं तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।